होने की। चिराग ठक्कर आपको भी कॉन्वर्सेशन में शामिल करना चाहेंगे। और जैसे मेटल फोकस से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा 34 पे $35 पर आउंस फर्स्ट हाफ 2025 में यहां पर देखने को मिलेगा, तो तेजी यहां पर भी है। ओवरनाइट 4% की बढ़त चांदी में देखने को मिली है। कैसे देखते हैं आप प्राइस और उसका इम्पैक्ट खरीदारी पर? चिराग आप म्यूट पर हैं। So if you see last 6 महीने से silver is purely following gold का movement and gold is completely following all the fundamental news coming into the market. जैसे Fed rate cut आ रहा है, जैसे Fed rate cut already discount हो चुका था last 2 महीने तक. Now तब वो time पे ऐसा था कि उसको 25 पैसा तक का expectation आ रहा था सभी से कि 25 पैसा cut होगा. Now we are at 50 basis point. तो इफ यू सी लास्ट 2 मंथ्स देयर हैज बीन अ कंसोलिडेशन मोड. तो कंसोलिडेशन मोड में अभी टेक्निकली भी अगर देखें तो इट इज एट अ राइट लेवल जहां से और अप मूव हम देख सकते हैं. तो आई एम श्योर सिल्वर इज गोइंग टू फॉलो गोल्ड्स मूव वेरी 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 शार्पली. एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो इंडस्ट्रियल डिमांड सिल्वर मेटल की काफी ग्रो कर रही है ग्लोबली. तो आई थिंक सिल्वर हैज अ हायर पोटेंशियल टू गो अपसाइड, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि गोल्ड से ज्यादा आउट परफॉर्म कर दे सिल्वर. चिराग, किस तरह के लेवल्स की एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हैं? आपकी क्या कैलकुलेशंस है डॉलर टर्म्स में और रुपी टर्म्स में? आई थिंक इन रुपी टर्म्स आई एम एंटीसिपेटिंग टू टारगेट 6 digits ऑब्वियसली 100,000. एट द सेम टाइम अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स की बात करें तो 32.5, 32.75 विल बी अ लेवल wherein there will be some pressure of selling coming in, क्योंकि हमने 32.5, 32.75 हमने 3 महीने पहले already वो price हम देख चुके हैं. तो I think वहाँ पे consolidation mode आएगा, but at the outest I see a target of 34.5, 35 target for the international market. ओके, एंड इंडियन डिमांड कैसी देखते हैं आप, क्योंकि अगस्त का महीना काफी बेहतरीन था, 1,000 टन का इंपोर्ट आता हुआ नजर आया। सितंबर में किस तरह के ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, और कोई कैलकुलेशन है कि आगे फेस्टिवल सीजन में बाकी के साल में किस तरह के इंपोर्ट्स होंगे? सो लास्ट 2 मंथ्स वॉज वेरी नाइस, बहुत अच्छे से फिजिकल डिमांड थी मार्केट में, चाहे वो ज्वेलर की डिमांड हो, चाहे फेब्रिकेटेड डिमांड हो, चाहे इन्वेस्टर की डिमांड हो. तो ये प्राइस लेवल्स पे अभी कोई फिजिकल डिमांड नेक्स्ट 5-10 दिन के लिए मैं नहीं देखता हूँ. बट एट द सेम टाइम जब ये प्राइस सेटल हो जाता है, जब लोगों को लगता है कि अब यहाँ से नीचे जाने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है, देन पीपल विल स्टार्ट कमिंग इन. एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी राइट मोमेंट कि ये टाइम पे मार्केट ऊपर जा रही है. एट द सेम टाइम फेस्टिव सीजन बहुत आगे है, और जैसे ही देखेंगे अगर फेस्टिव सीजन में अगर थोड़ा सा भी करेक्शन आया तो फिजिकल डिमांड बहुत स्काई रॉकेट हो सकती है इसके अंदर. चिराग, लास्ट ईयर रिकॉर्ड इंपोर्ट्स थे, इस साल के टोटल इंपोर्ट्स क्या लगते हैं? आई थिंक आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग दिस, वी विल बी मेंटेनिंग द एवरेज ऑफ 6,800-7,500 tons ऑन सिल्वर साइड. मे बी अब ये ड्यूटी कट आया है तो शायद हम 8,000 टन एक बार देख सकते हैं अगर प्राइसेस ने सपोर्ट और डिमांड ने सपोर्ट किया तो. ऑलराइट, तो सोने चांदी में अच्छा खासा ग्लिटर फिलहाल हम बनता हुआ यहाँ पर देख रहे हैं. जिस तरह की तेजी न्यूयॉर्क सेशन में थी, एशिया ने उसमें बेचा नहीं है, एशिया ने और खरीदा है. इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि यूरोप इस वक्त यहाँ पर खुलने के बाद क्या करता है. ऑफकोर्स जो रेट कट्स हैं वो शायद फैक्टर इन हो चुके हैं. इंडियन मार्केट्स में ऑफकोर्स एक डाइवर्जेंस है बिकॉज ऑफ द ड्यूटी कट. एक बार प्राइस स्टेबलाइज हो जाए तो अच्छी खासी खरीदारी की उम्मीद यहाँ पर भी सोने और चांदी में. बहुत शुक्रिया आपका.